सफलता मिलती नहीं, हासिल करना पड़ता है, स्टडी में मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है। सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बुक स्टडी। फ्रेंड्स, तो आज हम जिस बुक का रिव्यू देने जा रहे हैं उस बुक का नाम है वर्दी वाला गुंडा। रिक्वेस्ट आई थी मेरे कमेंट में, उनका चैनल है यूट्यूब पे द जोश, बॉलीवुड द जोश के नाम से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उन्हें इसका रिव्यू दूँ, वर्दी वाला गुंडा। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस बुक के बारे में बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छी है और वो लिखी गई है वेद प्रकाश शर्मा जी के द्वारा। ये बुक लिखी गई है, वो बहुत ही अच्छे राइटर हैं। वेद प्रकाश शर्मा जी बहुत ही अच्छे राइटर थे, बहुत ही पॉपुलर राइटर थे, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखी हैं, उन्हीं में से एक ये भी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉवेल थी, इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी लेकिन उनमें से ये नॉवेल वर्दी वाला गुंडा जो नॉवेल है वो बेस्ट सेलर रही है उनके नॉवेल में से, ये एक बहुत ही अच्छी रही है और बहुत ही लोगों द्वारा पसंद भी की गई है। एंड इसके बारे में हम एक बात और भी बहुत ही अच्छी आपको बता दें कि ये जो बुक है इसकी अब तक में 8 करोड़ प्रतियाँ बिक चुकी हैं। एंड एक और बहुत ही ज़्यादा ऐसी बात जो असायद चौंक जाए आप, जिस ये 1993 में पब्लिश हुई थी, देन उसी दिन जिस दिन इसकी मतलब फर्स्ट डे इस बुक की 15 लाख प्रतियां सेल हुई थी। सो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई थी लोगों के द्वारा। उनसे जब पूछा गया कि मतलब ये कैसे आपके माइंड में आया कि वर्दी वाला गुंडा है ना ये बुक, उपन्यास जो आपने लिखी नॉवल, तो उन्होंने बताया था कि वो एक बार शाम के टाइम उन्होंने देखा कि एक सिपाही है, पुलिस का सिपाही है जो कि यूपी पुलिस का सिपाही है, तो वो क्या कर रहा था कि नशे में धुत था और चौराहे पे डंडे जो होते हैं ना, लाठियाँ, वो भांज रहा था। तो उनके माइंड में एक ये बात आई कि ये वर्दी की मतलब गुंडागर्दी है, जो राइटर हैं उन्हें लगा कि ये वर्दी की गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो उनके माइंड में एकदम दिमाग में आया कि ये बात आई, ये वर्ड समझ लीजिए पूरा आ गया कि वर्दी वाला गुंडा। तो उन्होंने तुरंत सोच लिया कि वर्दी वाला गुंडा नाम से एक नॉवेल लिखूंगा, है ना। तो उन्होंने इसे लिखा, तो उन्होंने इसे स्टार्ट तो कर दिया लिखना, लेकिन स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा उन्हें ऐसा फील हुआ, कुछ टाइम के बाद जैसे ही उन्होंने लिखा तो कुछ दूरी पर उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे मज़ा नहीं आ रहा है ना, मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कुछ मिसिंग है, ऐसा लग रहा है ना, कुछ मज़ेदार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें लगा। तो उसी टाइम पे अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया के जो पीएम थे राजीव गांधी जी, उनकी एक दुर्घटना में डेथ हो गई थी, तो उस घटना को भी इन्होंने उसमें इंक्लूड कर दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दी, तो ये बहुत ही ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद की गई, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इसे पढ़ा, और सबसे ज़्यादा तो इन्हें ये पसंद आया वर्दी वाला गुंडा, ये जो नाम था इस बुक का ये ज़्यादा लोगों को पसंद आया, तो ये लोगों द्वारा ज़्यादा इस वजह से और ज़्यादा खरीदी गई कि वर्दी वाला गुंडा, उन्हें ये नाम बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा, इसमें जो लिखा है वो तो बहुत अच्छा ही है। तो ये थी, और इन्होंने कई सारी और भी नॉवेल्स लिखी हैं। नॉवल की वजह से वेद प्रकाश शर्मा जी जो हैं तो वो लोग उनके दीवाने हो गए थे इस नॉवल की वजह से। और अगर फिक्शन में अगर टॉप 10 उपन्यासों का जिक्र हो नॉवेल्स का, तो उसमें वर्दी वाला गुंडा पक्का आएगी, क्योंकि ये इतनी अच्छी मानी गई थी। एंड तब से इस नॉवल के बाद से पुलिस में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, काफ़ी कुछ किया गया है, लेकिन एक बात ये भी सच है कि अभी बहुत कुछ चेंज करना बाकी भी है, अभी बहुत कुछ चेंज करना बाकी है, कुछ तो चेंज हो गया है। तो मेरा मतलब ये है कि जो इसमें है वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। जब आप इसे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। इसको पता है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अभी आपको दोबारा भी पढ़ना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी आपको ज़्यादा जानने के लिए आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, अगर सारी चीज़ें ही बता दी जाएंगी तो आपको पढ़ने का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कौन सी वीडियो बनाने वाली हूँ उसकी नोटिफिकेशन यानी अपडेट मैं उसमें देती रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।